কৃষ্ণ হরিপাল্লা প্রিয়ম বদা, জিনকো রাধিকা হরিপাল্লা বিশেষ রূপে পালন পোষণ করতি হ্যাঁ, সবক করতি হ্যাঁ, লেকিন মঞ্জরি কে উপর রাধিকা জিতনি খোজসী মাইনাস ভাব হ্যাঁ, আর সখী কে প্রতি নেহি, আর সখিয়াং কে বরাবরি হনে কে কারণ রাধিকা উনকে তো ডাটেগি নেই, বিনা কারণ রূপ মঞ্জরি কে রতি মে ডাটেঙ্গি, এসে কুছ কাম হুয়া কি রাধাজি ছিপ গই কৃষ্ণ ঢুঁড়ে মিলে নেই, চিত্তা সুচিত কর দিয়া রাধিকা ভোতান রই হে রূপ মঞ্জরি কে রতি মঞ্জরি কো লীনাল নিকুঞ্জ কুমারি ভবতী মুকুন্দি শ্লোক মে দিখায়া, তুমকা মমতা ভাব হ্যাঁ রাধিকা কেসলে পরিপাল্লা, আর প্রিয়ম বদা উনকো এসে ট্রেন কিয়া রাধাজি নে সব লোক সবসে মধুর ভাষিনী হ্যাঁ, ইয়া মনোবৃত্তি রূপে উনকা মনোবৃত্তি কিয়া হ্যাঁ সব সময় নিত্য কাল পরিচর্যা করনা হ্যাঁ, এক সেবা হো গিয়া ফির কিং করমি উসকি ক্যা সেবা করু, ইসলিয়ে উনকো কিং করি কাহা গিয়া এসে কাহা করতে থে, ये मंजर किसकी है पाल्लदासी क्या चंद्रावली की ये सुईपा की या समला की ये तटस्थ सुरीपुक्ष विपक्षा नहीं नहीं तो किसका आर और राधिका राधिका के पाल्लदासी दूसरे के नहीं और पी आर ए में एनी टाइम हरी कथा प्रभुपाद के पास एक छोटा बच्चा भी आ जाते थे ना हरी कथा शुरू करते थे, हरी कथा रुकते नहीं थे, गुरुदेव कहते एम्बडीमेंट ऑफ हरी कथा, कोई है नहीं चले गए तो जाते भी नहीं थे, फिर भी कोई आ जाए हरी कथा सब सुनो, और बी बी फॉर बोल्ड प्रीचर इतने साहसिक प्रचारक थे इसका कोई परवाह नहीं करते, अगर प्रभुपाद नहीं आते हम लोगों में से जिधर बैठे हुए हैं दीक्षित व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया उनका कभी भी उपनयन संस्कार होने का कोई संभावना नहीं था, ये दैव वर्णाश्रम धर्म पहले से ही शास्त्र में वर्णित है, प्रचार कोई समाज के डर से कर नहीं सके, प्रभुपाद इतना सुंदर प्रचार किया, इस प्रसंग में एक बार गुरु जी कथा सुनाया था, प्रभुपाद को ब्रह्मचारी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भेजा था, एक है हयग्री ब्रह्मचारी जो बाद में भक्ति देते माधव गोस्वामी महाराज हुए, और एक सोचिसुन ब्रह्मचारी जो आगे चलकर के भक्ति देव बन गोस्वामी महाराज बने थे, उन लोगों को भेजा था, जो उधर संस्कृत डिपार्टमेंट के डीन थे उनके घर में गए, कहां से आए हो मायापुर से, ओ मेरे गुरु का नाम बच यही पता है प्रभुपाद, हो जो दूसरे धागा पहना करके ब्राह्मण बनाते हैं वो लोग बिगड़ गए, जैसे कोबरा है सांप उनका बच्चा भी ऐसे विषधर है और अधिक गुस्सेला है, वो लोक हो गया चढ़ गया पार, ऐसे करके खंडन किया कोई उत्तर नहीं दे सके, एक बार ये पूछ रहे एक बार वो पूछ, दोनों ब्रह्मचारी उत्तर ही कर रहे हैं, और कांपने लगे पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया, उसकी पत्नी आई, तुम ये मेरे पति बूढ़ा को मारोगे क्या, तो आपके पति ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोला, फिर क्षमा मांगे क्या भिक्षा भी दे, बोला ऐसे ले नहीं आए हम गुरु के कोई बोलेंगे उनका जीवा कर्तन कर देंगे, जीवा काट देंगे शास्त्र युक्ति पर, इतने बोल्ड प्रचारक थे, बी फॉर बोल्ड प्रीचर बहुत साहसिक प्रचारक, एच ऑनेस्ट ऐसे कहा जाता है, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत मा ब्रुआत असत्यम प्रियम बा सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो यदि कोई प्रिय हो, लेकिन असत्य उसको मत बोलिया, सत्य सत्य हो यदि अप्रिय सुनने में अप्रिय लगे उसको मत बोलो, प्रभुपाद से परवाह नहीं करते, जो सच है कहना ही पड़ेगा, भले ही दूसरे को अप्रिय लगे लेकिन कहना ही पड़ेगा, तो बात हम समाज सुधारक है, हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन, इसलिए प्रभुपाद डंक के चोट पर कह दिया, जब सन्यास नहीं हुआ था उस समय मेदिनीपुर बालीघाई में एक सभा हुआ था, उन सभा में सब लोग भक्ति ठाकुर को बुलाया,
कैसे ब्राह्मण लोग बहुत तंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उस समय बिमला प्रसाद थे, उनको भेजा। साथ में राधा रमन जो वर्तमान मंदिर है वृंदावन के, उनके वंश उनके गोस्वामी परंपरा में, अब ये पद्मनाभ गोस्वामी उनके पिताजी विश्वम्भर गोस्वामी उनके पूर्वज किसी को साथ में दिया था, भक्त था, उनका बहुत रिलेशन था, उनके साथ सब जाता था, सब सुनता था, सब गए। जाके पहले ही प्रभुपाद क्या किया, ब्राह्मणों का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण बहुत खुशी आ गई, ब्राह्मण इतना गुण ऐसे है वो लोग समझ नहीं सके। दिख रहे पहले किसी का खंडन का भी थोड़ा प्रशंसा कर दो, उसके बाद प्रभुपाद शुरू किया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारादिजोच्यते वेद पाठाद भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, ब्राह्मण हो शूद्र हो सभी का संतान उत्पत्ति करने का एक ही तरीका है। फिर जब संस्कार होगा, पहले हमारा बायोलॉजिकल बर्थ है, माता पिता से जन्म लेते हैं, बाद में दीजो द्वितीय जन्म, उस समय माता है गायत्री मंत्र, पिता कौन, गुरु आचार्य या पुरोहित। फिर संस्कार वेद पाठा, जब वेद उच्च जगदलाप करते हैं तब तो करते हैं विप्र, और ब्रह्म जाना कि भगवत अनुभूति संपन्न होने पर ब्राह्मण, ऐसे कर खंडन किया। ऐसे इतने बनिए ऑनेस्ट थे, और यू अंडर गाइडेंस ऑफ गुरु एंड गुरु परंपरा। जब गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहा, इनकार कर दिया, बोलते मैं निताई गौर से पूछूंगा, ऐसे करके करके कुछ दिन बिताया। तब प्रभुपाद क्या किया, प्रतिज्ञा कर लिया, उनसे ही दीक्षा लेनी है। महाप्रभु के दो प्रेमावतार है, एक नरोत्तम ठाकुर जिनका प्रेम, जिनके लिए प्रेम महाप्रभु पद्मा के पास रख के गए थे, और इनके जगन्नाथ के रूप में प्रदान किया। जब फिर बाद में जब भक्ति दलित माधव गोस्वामी में स्थान कर लिया 79 में, फिर आके 3 दिन वहीं पर रुका जगत को दिखाने के लिए कि यही मेरा प्रिय परिकर का स्थान है, जो व्यासदेव पता है झुटक मेरे पुरुषोत्तमात, ये दिखाने के लिए फिर 3 दिन रुके जगन्नाथ के। ये कथा मैं 79 का पूज्यवत भारती महाराज भारती गोस्वामी सुना था। फियरलेसली जो बताया, कभी भी प्रचार में वो डरते नहीं थे, क्या होगा नहीं होगा, इनके निर्भीक भावे प्रचार करने के कारण क्या हुआ, ये पूरा मातला जो कल हम लोग जाएंगे उनको मारने के लिए तैयारी किया था, वो लोग प्री प्लान था मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, प्रभुपाद नहीं ऐसे प्रचार नहीं कर सकते, वो जान के लिए परवाह नहीं करते, इतने निर्भीक थे। फिर ए अगेंस्ट ऑफ मनीजिम, ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे, बोलते जब तक अद्वैतवाद जगत में रहेगा शुद्ध भक्ति का प्रचार संभव नहीं है। ये महाप्रभु भी दिखाया, जो 4 वैष्णव संप्रदाय है, इन 4 वैष्णव संप्रदाय में सब में अद्वैत का गंध है, विशिष्ट अद्वैत मीन्स स्पेशलिफाइड मनीजिम, फिर शुद्धाद्वैत प्यूरिफाइड मनीजिम, द्वैताद्वैत डुअलिज्म एंड मनीजिम, और इसके लिए मध्वाचार्य के लिए डुअलिज्म केवल द्वैतवाद, अद्वैतवाद के घोर विरोधी अगेंस्ट मनीजिम। बी डेडिकेटेड टू गुरु परंपरा, वर्तमान समय में हम ये बहुत जगह में देखते हैं, अपने को गुरु को मानेंगे और किसी को नहीं, अगर गुरु परंपरा को नहीं मानेंगे ये पावर कहां से आएगा, बल्कि ये अपने गुरु को मानेंगे वैष्णव को परवाह नहीं करेंगे तब नहीं होगा। भागवत में टीका में चक्र ठाकुर ने बताया, भस्म दिशा, जैसे हम लोग हवन करते हैं जल्दी आग पर हवन सामग्री घी देके स्वाहा करते हैं, आग न हो केवल भस्म हो, उस
सुहा का कोई कीमत नहीं है। ऐसे केवल गुरु पे मानेंगे, वैष्णव को अंगूठा दिखाएंगे, गुरु जी कहते अंगूठा दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया वैष्णव एव गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। इसलिए प्रभुपाद ने दिखाया समस्त वैष्णव को, समस्त वैष्णव आचार्य को सम्मान दिया। ये प्रभुपाद का गुण है, गुरु एवं गुरु परंपरा, समस्त गुरु को सम्मान दिया। ए इसमें दिखाया ऑलवेज एंगेज द सर्विस ऑफ महाप्रभु एंड डिवाइन कपल। महाप्रभु के लाइन में जो आए हैं वो क्या करते हैं, जब परफेक्शन के बाद उनको आत्मा पिता विभक्त होता है तो एक महाप्रभु के लीला में जाकर के महाप्रभु उदर जमाए सेवा करते हैं और दूसरे राधा कृष्ण के शिष्य में सेवा करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि ये तो अभी साधक रूप में है, ये दो जगह कैसे सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद साधक नहीं है, साधक को चित्त दिखा रहे हैं। इस प्रश्न गुरु जी के बाद बता देता हूँ, जब गुरुदेव पहले मठ में आए बांग्ला तो नहीं जानते थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखा। किसी ने उनको बताया सुबह प्रवचन के बाद ओ नारायणपुर तुम जाए दो, पता नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद से भक्ति प्रज्ञान के सब को स्वामी महाराज की जाए। सब लोग हंस रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, समझे नहीं, बोले तुम्हारे प्रभुपाद नित्य लीला प्रविष्ट है, हमारे गुरुदेव की कम प्रभुपाद से कम है, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रभुपाद तुम्हारा गुरु है, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ है, हमारे गुरुदेव हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट, मेरा गुरु ही नित्य लीला प्रविष्ट, कोई माना नहीं सके। ये अपने चले, ये किसी के पास मानेगा नहीं, ये पुलिस है, चलो ये सब महाराज के पास। सब लोग गए, गुरु जी भी गए, बताया ओ महाराज जी देखो आपके बेटा क्या कह रहा, क्या कहा, बोला आप तो अभी जीवित है आपको नित्य लीला प्रविष्ट करा दिया। बोले क्या बोला, बोले नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। तो परम गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, बोले बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक। कैसे, बोले जो सदगुरु हैं, जो साधक नहीं है वो क्या करते हैं, इस जैसे गौरवपथ लीला में हम लोगों को उद्धार करने के जगत में साधकोचित व्यवहार दिखा रहे हैं, एक स्वरूप में वो क्या करते हैं महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं और एक स्वरूप में जुगल किशोर की सेवा कर रहे हैं। केवल यही नहीं, महाप्रभु के जिस जिस ब्रह्मांड में जहां जहां लीला चल रहा है वहीं पर है, और जुगल किशोर की लीला जिस जिस ब्रह्मांड जहां पर उधर भी उपस्थित है। इसलिए जैसे भगवान के अनंत स्वरूप है, ऐसे परिकरों का भी अनंत स्वरूप है, सब जगह में सेवा करते हैं। बोले मेरा गौ नारायण जी बोला बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए ए में ऑलवेज सर्विस फॉर महाप्रभु एंड डिवाइन कपल। हरे कृष्ण पंचा कल्पतरु भस्त। मैं तो साधक की पूछा, मैंने बता दिया जो लोग सिद्ध हैं, इसलिए वो लोग क्या करे, वो लोग जीव नहीं है, साधक नहीं है। गौ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। महाराज जी प्रभुपाद के विषय पर बहुत कुछ आप बताए, हम तो सोचते थे नरसिंह देव की कथा सुनाएंगे तो प्रभुपाद बोलेंगे, मैं भी क्या प्रभुपाद बताया। ओम माय गॉड मिरामंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण हरे राम 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 जोर से बोलो कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद वंदना जितनी लाभ विष्णु विष्णु पाद ईश्वर बड़े सदस्य श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे सिखिया गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रीला प्रभुपाद की समाधि पर गए थे, इसलिए महाराज जी प्रभुपाद को विषय पर उन्हें कुछ प्रकाश उन्हें डाला है। कल भी मैं सोच रहा था कुछ प्रभुपाद को विषय पर बोलूं, लेकिन दूसरे दूसरे भक्त लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, मैं भी थोड़ी सी प्रभुपाद विषय पर बोल देता। कल जो प्रभुपाद है, मेरे गुरुदेव कहते हैं जो प्रभुपाद का जो स्वरूप है, कहते एक तो जो अनर्थ युक्त व्यक्ति है उनको पास में इनका स्वरूप एक तरह से प्रकाशित हो, जो अनर्थ से जो मुक्त है, जो प्रभुपाद का जो परिकर है, कहते उनको पास में प्रभुपाद का स्वरूप दो रूप में दूसरे स्वरूप में प्रकाशित होगा। कहते ये मेरे गुरुदेव ये बात कहते हैं, इसलिए कहते जो अनर्थ युक्त व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति, उनको पास में प्रभुपाद का स्वरूप क्या प्रकाश हुआ, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उसी समय का जितने बड़े बड़े विद्वान लोग मिल करके ये उपाधि उनको प्रदान किया है, कहते ये भक्ति सिद्धांत में दूसरे सरस्वती है। ये बात देवश्री सरस्वती इतने विद्वान थे प्रभुपाद जी, इतने विद्वान थे प्रभुपाद जी, एक समय जो एक जो एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिंसिपल था उनको साथ में एक अयनांश को लेकर के विचार, अयनांश मतलब होता नहीं, जब ठंडा के बाद में गर्मी के बाद ठंडा आती है, जब सूर्य अपना दिशा को बदलाता है, उसी विषय को लेकर के प्रभुपाद ने ऐसे विचार बताया जो प्रिंसिपल था जो चेयर के ऊपर बैठ करके इनके साथ में तर्क वितर्क कर रहा था, प्रभुपाद को विचार सुन सुन करके वो कुर्सी में तो पेशाब और पायखाना डल गया इनके विचार को सुन करके प्रभुपाद। इसलिए बोले आप कृपा करके ये कुर्सी को स्वीकार करो। प्रभुपाद ने कहा देखो मैंने ये तारा और मैंने ये ईंट पत्थर को मैंने गिनने के लिए नहीं आया, मैं तो श्री महाप्रभु का एक पियन बन करके केवल उनका वाणी को प्रचार करके लिए आया। बोले देखो प्रभुपाद जब आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे कभी ये कुर्सी में आपका सिवाय कोई इसमें बैठ नहीं सकता, कि कुर्सी आपके लिए खाली रहेगी। इतने विद्वान श्री उस समय प्रभुपाद इतने विद्वान थे, इसलिए सबके सब इनका जो जो टाइटल दिया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जो इनका जो निजन इनका जो परिकर थे उनके पास में प्रभुपाद किस रूप में अभिव्यक्ति हुए हैं, इसलिए जिसको भक्ति रखते श्री श्रीधर गोस्वामी कहते हैं प्रिस्तभानो सुताय तरी तानो चरम चरणाश्रितरेणो धस्तमः महदद्भुत पावनं सतीपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद प्रणमामि सदा प्रभु पाद
उनका जो नित्य परिकरे हैं कहते उनको पास में बोले विश्वभान सुता दई तानुचरम, इसलिए उनको वंदना में बताए श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम ने श्री भार्गवभान नदी देवी दैताय कृपा, इसलिए कहते हैं राधा रानी की ये नयन मणि मंजर रूप में प्रकाशित हो गए। जब अपना गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज में जब ये सेवा में संलग्न थे, राधा रानी स्वयं कहती कहती है बोले नयन मणि मंजरी जाओ, ये जगत तुम देखो जीवों का, जीव लोग कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, तुम जा करके जीवों को उद्धार करो, जीवों को उद्धार करो, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के अपना साथ में जाओ। इसलिए प्रभुपाद जब आए, जैसे महाप्रभु जी जगत में वो अकेले नहीं आए, सपार सदस्य धाम सह बदरी, अपना धाम और परिकरों को लेकर के आए, उसी तरह प्रभुपाद भी वो अकेले नहीं आए। लोग कभी कभी हमारी गौड़ीय मठ को कहते हैं तो छिड़ा चूसने वाले हैं, गुटली चूसने वाले हैं, यदि ये मंजरी स्वरूप का कोई है, ये तो कोई मंजरी स्वरूप देते ही नहीं है, ये तो केवल छिड़ा चूसते केवल वैदिक व्यक्ति की बात करते, बोले ऐसे नहीं है। प्रभुपाद ने अपना शिष्यों का शिष्यों स्वरूप हमने बताया, इसलिए मेरे गुरुदेव का नाम भी उन्होंने ब्रह्मचारी का नाम शिष्य स्वरूप नाम दिया, अपना स्वरूप में जो सिद्ध है और भक्ति जो विनोद भी है, किसका नाम है हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई, उनका अंदर में छुपा हुआ उनका नित्य मंजरी स्वरूप विनोद है। जैसे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज उनका स्वरूप उन्होंने बताया कभी विमला मंजरी, विमला मंजरी है, इसलिए प्रभुपाद ने है, लेकिन उन्होंने अधिकार को देख कर उन्होंने दिया, ऐसे नहीं मंदिर में आया शौच क्रिया आदि जानते नहीं, शौच क्रिया के बाद में कितना बार हाथ धोना जानते नहीं, उनको लड्डू मंजरी, पचौड़ी मंजरी, रसगुल्ला मंजरी, हाँ जिलेबी मंजरी, उनका नाम मंजरी 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 नाम दे दिया। इसलिए प्रभुपाद इसी विषय पर बहुत विरोध थे, इसलिए उनको सहजिया बताया, सहजिया मतलब क्या है, तो जब सिद्ध स्वरूप को बाद में जो स्वरूप प्रकाश होता है उनका भी श्रद्धा ही नहीं, उनकी शास्त्रीय श्रद्धा ही नहीं, उसी समय में ही उनको पास उनको सब रसगुल्ला लड्डू मंजरी नाम दे दिया है, बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए प्रभुपाद ने अपना समय देकर एक उपयुक्त व्यक्ति को उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप नाम उन्होंने प्रदान करते हैं प्रभुपाद, इसलिए महाप्रभु बोले राधा रानी बोले तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को ले करके जाओ, इसलिए प्रभुपाद ने अपना परिकरों को साथ में ले करके आए और ला करके उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आचे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे वरनाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में क्या होगा, तब मेरा नाम घूम उठेगा। यद्यपि ये बात को श्री महाप्रभु जिसको द्वारा जितना करवाना चाहिए था उतना करवाया, लेकिन अगर ये वाक्यों को पूर्णतम रूप में देखो तो ये वाक्यों को जगत में किसने सार्थक करवाया, बताओ किसने सार्थक कराया, कहते श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये वाक्यों को पूर्ण रूप में, उन्होंने तो किया ही है, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन हम कहते हैं फले न परिचयते, वृक्ष का महत्व कब है बोले फल से, फल से महत्व तो पता चलता, अगर घर में कोई बबुल का पेड़ भले जो काट दो क्यों उसमें कोई फल आएगा नहीं है कांटा, लेकिन अगर कोई चीकू कोई है कोई आम का कोई बड़े सुंदर अंगूर का वृक्ष हो तो भले पानी दो इसे पेड़ को पालो क्यों भविष्य में ये फल देगा, कहते ये जो वृक्ष का महत्व फल से, लेकिन ये ऐसे एक दिव्य वृक्ष हुए हैं इसमें क्या एक एक फल निकला, अद्भुत एक एक फल निकला उनको। हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु का परिकर एक एक परिकर एक एक ब्रह्मांड को तार देते हैं, अगर अगर दिखाई पड़े ना किसकी शिष्यों के अंदर में विश्व ब्रह्मांड में ये कृष्ण भक्ति को कैसे उन्होंने ब्रह्मांड में
हमारी गुरुदेव को देखो, भक्ति प्रज्ञान कैसे हुआ, गोस्वामी महाराज को देखो, भक्ति देता है गोस्वामी महाराज को देखो, भक्ति देता माधव गोस्वामी महाराज, ये एक एक फल है। इन लोगों ने जिस तरफ गए ना, जिस तरफ गए, देखो इसी संसार में बेटा ही पिताजी का बात नहीं सुनता है, बेटा ही पिताजी का बात नहीं सुनता है, क्या हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज। ये थोड़ा प्रौढ़ माया तला में जिस समय प्रभुपाद का प्रचार चल रहा था, उसी समय सारा दुनिया में टहलका मच गई थी। प्रभुपाद का प्रचार से सारा दुनिया में खिलबिल मच गई थी। हैं? एक समय श्री प्रभुपाद को आकर किसी ने कहा, प्रभुपाद अगर दो चीज को अगर छूट दे दोगे ना, ये पृथ्वी का जितने सारे संप्रदाय सबके सब आपके संप्रदाय में आ जाएंगे। बोले भैया किस कौन सा दो चीज का छूट है? बोले एक चाय को छूट दे दो और एक बीड़ी दो, एक चाय और एक बीड़ी, ये चीज का आपने छूट दे दो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखो मेरे को एक चंद्रमा की जरूरत है, हजार तारों की हमें जरूरत नहीं। हजार देखो ये चीज क्या मिलो, कभी कभी कोई व्यक्ति गुरु जी से हरिनाम ले गया, मंत्र लिए, लेकिन अभी तक चाय पी रहे, आप प्रभुपाद का लाइन में आप है ही नहीं। आप जो चाय फिर कोई छुप करके फिर प्याज खाना शुरू कर देते हैं, प्याज का आप प्रभुपाद का लाइन में आप गए नहीं। देखो ये प्रभुपाद का वाणी है, हां मेरे कुछ कुछ भक्त लोगों ने मेरे को शिकायत किया है, शिकायत करके बोले महाराज जी ये तो दीक्षा ले लिया, अभी ये चाय पीता है, दीक्षा लेकर ये चाय पीता है, और किसने मेरे को बोला महाराज जी अभी ये प्याज लहसुन भी खाता है, ये व्यक्ति दीक्षा लेकर प्याज लहसुन भी खाता है, आपको पता है? मेरे को मेरे को पता ही नहीं। बोले महाराज जी खाता है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद का वाणी है, प्रभुपाद का वाणी है, हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, हमारे हजार तारों की जरूरत नहीं। एक चंद्रमा विश्व ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है, लेकिन हजार तारों मिलकर के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम चाहते हो हम प्रभुपाद का लाइन में क्या छोड़ो, क्या छोड़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, आज से कान पकड़ो जो चाय पीते हो, आज से चाय मत पिया करो, आज नहीं ले बोले आज नहीं ले। इसलिए इसलिए चाय का नाम तक भी अगर चाहते हो, प्रभुपाद का ये वाणी है, ये प्रभुपाद का वाणी है, चाय पीने वाले मेरे धरा में है ही नहीं। अगर आप चाहते हो हम प्रभुपाद का पोता और प्रपोता है, नाती पोती है, अगर ये धारा में चाय आज से क्या करना है, क्या करना है, चाय छोड़ना है। ये प्रभुपाद खुद कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, कभी चार तरफ के, कभी एक तरफ पे मायावाद को खंडन कर रहे थे, दूसरे तरफ में उन्होंने जो स्मार्त जात गोसाई, स्मार्त जात गोसाई मतलब क्या है, जो लोग गोस्वामी परंपरा में कोई गोस्वामी हुए होंगे, हम परिवार बाकी जगत में परिवार नहीं मिलता है। अगर किसका पिता डॉक्टर है, अगर उसका बेटा अगर डॉक्टर नहीं करता है, उसको थोड़ी डॉक्टर बताए, नाम को तोड़ करके सब खाने वाले व्यक्ति है। और ये जात गोस्वामी को क्या कहते, बोले गुरु जी आज घर में आए, सबसे बढ़िया चीज, बोले क्या मछली खिला इनको, मतलब ऐसे बंगाल में इतने अपसंप्रदाय था। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने एग्जीबिशन करवाया, क्या क्या एग्जीबिशन, गुरुदेव घर में आ रहे हैं, इसलिए उनको बढ़िया चीज, उन्होंने एग्जीबिशन कैसे शेला गुरु को मछली देना है, और सबसे बढ़िया मछली बंगाल में इलिश मछली, मछली ये सबसे बेस्ट है इलिश, इसलिए इलिश मछली दे रहा है। प्रभुपाद एग्जीबिशन में उन्होंने ऐसे ऐसे चीज दिखाई, बोले ये सब गुरु बनने का लायक नहीं, सबके सब है, ये रिजेक्ट है सबके सब है। और तीसरे तरफ में कहते हैं ये अवतार बात है, आपको पता होगा इतने अवतार है बंगाल में, जैसे खेती में जैसे बीज होते हैं ना, ऐसे अवतार है, रामकृष्ण भगवान, विवेकानंद भगवान, अनुकूल ठाकुर, बंगाल में कितने भगवान, थोड़ी सी कोई चमत्कार दिखा दिया ना, भगवान भगवान करके पीछे सबके सब भागने लगे। और चौथा तरफ में ये सहजियाबाद, ये सहजियाबाद जो आते ही
शिष्यों को हम कौन सा मंजरी है, हम कौन सा मंजरी है, हैं? ये कब होता है? गुरुदेव कहते थे जिस समय में भावावस्था नहीं आता है तब तक जीव का स्वरूप कभी अभिव्यक्ति, ये चीज को अच्छे तरह समझ लो, हैं? गुरुदेव का वाक्य है कि जब तक आसक्ति आती है, गुरुदेव कहते थे केवल थोड़ी सी सिद्ध स्वरूप का अंकुर आता है, केवल थोड़ी सी, जिस समय भी अगर भावावस्था आता है थोड़ी सी प्रकाशित होता है, उसको पहले साधन किया ही नहीं, अभी श्रद्धा का सतक भी नहीं है, सतक भी नहीं, लड्डू मंजरी कचौड़ी विरोधी करते थे। इसलिए आप लोग भी किसी चीज में सावधान रहना, आते ही गुरुदेव हमको रस कथा सुनाओ, गुरुदेव हमको राधा रानी के बिल्कुल जो हम एकदम अधिकारी नहीं है, ये विषय को सुनने पर हमारे हृदय में जड़ काम आती है, राधा रानी कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, हम सुन के तुम क्या करोगे, बोले हम भी अपना पत्नी को साथ में प्रेम करें। देखो एक बार किया हुआ, आपको सही घटना सुनाता हूँ। एक बार वृंदावन में वहां पर एक बहुत बड़ा जो रास रास कराने वाले हैं, उन्होंने किया किया बहुत अभिगंश थे वहां पर, वो दिखाया राधा रानी की निकुंज लीला, दिखाई कैसे राधा रानी मान की हुई श्याम सुंदर, कैसे राधा रानी को मनाना चाहते है मान को छोड़ दे, तुम्हारी चरणों को मैंने सर पर दे। उन्होंने ये लीला को उन्होंने दिखाया, जब लीला मैंने व्यक्ति जब जा रहा था उसको पता कर रहे थे हैं, राधा रानी का चरण का सर पर ले रहा था, तुम करता क्या? उन्होंने सुन लिया, एक स्त्री अपना पति से वो लीला दिखाना बंद कर दिया, उसको लीला दिखाना बंद कर दिया, लोगों को राधा रानी को स्वरूप हला दे नहीं सकती है, उनके स्वरूप शक्ति कहां राधा रानी और तुम कहां साधारण जीव। इसलिए प्रभुपाद बड़े विरोध इसी विषय पर थे, बड़े विरोध थे प्रभुपाद, इसलिए चारी तरफ शिष्यों को खंडन खंडन कर रहे थे। इसलिए यहाँ का जो स्मार्ट जात व्यवसाय है ना, कल हम जहाँ पर जाने वाले हैं बोले प्रभुपाद जान से नहीं मारेंगे ना, फिर तो लगता है हमारे धंधा ही बंद कर देगा ये, हैं? धंधा ही बंद, इसलिए जान से मार डालो। इसलिए कल जहाँ जाएंगे जब वही पहले से सोना की बोतल ईंट पत्थर लेकर के पहले से रेडी थे, बोले जान से मार देंगे, जो प्रभुपाद वहां पर पहुंचे ईंट पत्थर जूते सोना की प्रभुपाद को छोड़ने लगे मारने लगे, इतने में हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को जल्दी से जल्दी उन्होंने एक घर को अंदर में ले गए, लेकर उनको ड्रेस बदलाया, बोले गुरुदेव आप मेरे ड्रेस आपका ड्रेस मेरे को दे दो। इसलिए सन्यासी ड्रेस को उन्होंने ले करके प्रभुपाद को छुपा करके भेज दिया, प्रभुपाद को छुपा करके वहां से भेज दिया। यहाँ पर प्रभुपाद की ऐसे प्रचार प्रभुपाद की थी, इसलिए यदि यहाँ पर श्री राधा रानी कहती है, प्रभु राधा रानी कहते नयन मणि मंजरी इसी जगत में जाओ, जा करके जीव का जो दुर्दशा है ये दुर्दशा से जीवों को मुक्त करो, और अकेले नहीं तुम क्या करो अपना सहचरों को चरियों को तुम साथ में ले करके जाओ। इसलिए राधा रानी कौन है, यदि ये प्रभुपाद की नयन मणि मंजरी, राधा रानी की नयन मणि मंजरी। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद की वैशिष्ट्यता को बता रहे थे, हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात प्रभुपाद के ऊपर बोलते थे, बोले अभी तक पृथ्वी में जितने आचार्य आए हैं, जितने आचार्य आए हैं, कहते उनकी अवदान को अब एक तराज लो, एक तराज का एक तरफ में उनका सारे वैशिष्ट्यता को अवदान को एक तरफ में रखो, प्रभुपाद का अवदान वैशिष्ट को अगर तराजू के दूसरे तरफ में रखोगे, देखोगे उनका भला भारी पड़ता है, उनका भला भारी पड़ेगा। कितने बड़ी बात भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के विषय पर बोले, क्योंकि मेरे मन में शंका हो गई ऐसे कैसे हो सकता है, सारे आचार्य इतने गोस्वामी और इतने सारे को सारे आए, लेकिन यहाँ पर और इनकी इनकी तरह हो सकता है, मैंने देखा नहीं बात सही है, हाँ बात सही है, क्योंकि कारण क्या है, कारण है कि प्रभुपाद कौन है,
प्रभुपाद कौन है? राधा रानी की श्री नैना मणि मंजरी। नैना मतलब आगे ही, मणि मतलब उसके अंदर में जो पुतला है, है? इस राधा रानी की जो पुतला को इंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसील मम कृपाकटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसील मम कृपाकटाक्ष भाजनम। हम कहते ना हे राधा रानी, कब क्या वृत्ति लोक शोक हारिणी, आपका जो कृपा कटाक्ष है, हम सबरे गाते है ना, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्राति जागो का हृदय मोर सुमंगल राति। इसलिए यदि कृपा दृष्टि, राधा रानी का कृपा दृष्टि ही ये प्रभु प्रभुपाद है। राधा रानी अपना नयन से द्वारा करती है क्या, बोले कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करती है, आंखों से क्या दर्शन करते हैं ना, तो पुतला है कद उसके द्वारा करती है क्या, बोले कृष्ण का जो माधुर्य है, कृष्ण जो बड़ी सुंदर है, जिसको राधा रानी क्या कहती है, उसी नयन से दर्शन करते हुए राधा रानी क्या कहती है, बोले बराहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपि स्वयं वैजयन्ति च मालां रंध्रान पीनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यस्तात गीत कीर्ति। राधा रानी उसी नयन से कृष्ण रूप का दर्शन करते हुए श्लोक को कहती है, क्योंकि राधा रानी के नयन को प्रभुपाद है, उसके द्वारा कृष्ण की जो माधुर्य जो सौंदर्य है, उसकी मधुरता को राधा रानी उसको द्वारा दर्शन करती है राधा रानी। इसलिए उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या, कृष्ण को जो विशेष कृष्ण की जो सेवा करती है, इसलिए जगत में प्रभुपाद आकर उन्होंने क्या किया है, बोले इसीलिए कहते हैं नाम एवं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम। इसलिए प्रभुपाद ने आग्रह क्या किया, कृष्ण सेवा को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने कृष्ण सेवा, जैसे भक्ति का 64 भक्ति अंग है, उसी तरह प्रभुपाद भी उन्होंने कितना मंदिर को स्थापन किया, उन्होंने 64 मंदिर को स्थापन प्रभुपाद ने किया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने ये गौड़ीय मठ नहीं, अपना भक्तों को घर में भी जो उन्होंने मंदिर मंदिर स्थापित किया, प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्तों का घर घर नहीं नहीं, मैंने राधा रानी का जो ये प्रभुपाद का वाणी है। इसलिए आप लोग देखो गोलोक वृंदावन में होता है क्या, हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इनका वचन है, जैसे भक्ति का 5 विशेष अंग है, नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धा सवना साधु संत, ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। यदि जो 5 तरह का जो भक्ति का अंग है, अगर इसको थोड़ी सी कोई एक भक्ति अंग को थोड़ी सी ज्यादा न करो, बस कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कहे थे किसी ने हमें सुजोग दिया, चलो प्रभु बात दिया है, साधु संगम देखो मंदिर साधु साधु ही संगम, भागवत श्रवण मंदिर मंदिर नित्यम भागवत से मंदिर भागवत सेवा, हाँ और श्री विग्रह का सेवा, हर गौड़ीय गौड़ीय मठ उन्होंने श्री विग्रह को स्थापन कर दिया, मथुरा वास है मथुरा वास है ब्रज प्रभुपाद जहाँ हरिकथा वही तीर्थ है, जहाँ पर हरिकथा वही पर तीर्थ। इसलिए वो कहते हैं अगर ये 5 जो भक्ति अंगों को अगर जीव को पूर्णतम रूप में अगर किसी ने आश्रय दिया, किसने दिया, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही उन्होंने प्रदान की। वो कहा करते थे अभी तक जितने जगत में आचार्य आए, जितने आचार्य आए उन लोगों ने क्या किया, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आए, बोले भैया मैं तो चला बनाऊंगा नहीं, लोकनाथ दास गोस्वामी आए, बोले भैया मैं चला नहीं बनाऊंगा,
उन्होंने एक एक चेला तो बनाया, एक बड़े कष्ट से बनाया, किसी ने दो चार चेला बना दिया, लेकिन उन्होंने जो चेले बनाए किसको चेला बनाए, अनधिकारी की नहीं। अब लोगों ने सुना था प्रभुपाद ने 18 बार उन्होंने प्रभुपाद को प्रत्याख्यान श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किया। जब आए शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए तो उन्होंने बोले देखो मैं तो शिष्य करूंगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने चांद्रायण व्रत शुरू कर दिया है, धीरे धीरे से भोजन करना का काम कर दिया। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये बच्चे को क्या मार डालोगे, इसको तो दीक्षा मंत्र दो, बोले ठीक है कल आ जाना। जब कल आए बोले देखो मैं महाप्रभु को पूछ कर दूंगा, तुम कल आ, फिर जब आए बोले महाप्रभु को पूछना मैं भूल ही गया। इन लोगों ने कहीं उन्होंने दीक्षा मंत्र कठिन को और योग्यता संपन्न व्यक्ति को ही दिया, सबको नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अयोग्य को जिनकी भक्ति में कोई अधिकार है ही नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसे हम जैसे हैं अनधिकारी व्यक्तियों को भी भक्ति में अधिकार जो प्रदान करके उनको भक्ति जगत में धीरे धीरे आदो श्रद्धा साधु संग भजन किया अनर्थ निवृत्ति, ये जो क्रम में अगर देने वाले कौन है। इसलिए प्रभुपाद का शिष्य कहते थे, बोले कहते थे वो कहते ना पूरी सरक, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पूरी सरक ईड है ते मुही से लगिष्ट, जगाई माधाई है ते मुही से पापिष्ट, तार पाप है सुने जाई तार पुण्य है, एमन निर्घिन्न मरे केवा कृपा करे, एक प्रभुपाद बिना जगत माधारे। कहते हम तो टाटी के कीड़े से भी गया बिता है, जगाई माधाई से भी हम पापी है, अगर हमारे नाम को कोई लेता है उसको सारे पुण्य नष्ट हो जाता है, मेरे नाम को कोई सुने तो उसको पाप लगता है, लेकिन ऐसे जो निर्भिन्न निकृष्ट व्यक्तियों के ऊपर में अगर कोई कृपा करने वाले कौन है, केवल श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे निकृष्ट व्यक्तियों को भी, अगर मैं जब सोचता हूँ ना अभी कहाँ रहने वाले, अब सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते, मैं जा किसी गांव की कोड़े में, हमारे बचपन में अगर कोई स्कूटर आ जाए ना, स्कूटी पर स्कूटी आ जाए, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, बोले अरे स्कूटी आ गया गांव में, सब के सब पीछे भागते थे। हम ऐसे भी गांव में रहने वाले, भक्ति का भाव तक भी हमें पता नहीं था है, यहाँ पर देख लो कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई दिल्ली, कोई कहां से नोएडा, कोई अंबाला, जगह से यहाँ पर है। हम लोग कभी सोच सकते हो एक दिन हम सबके सब श्री नवद्वीप में महाप्रभु की चरण में, गुरु जी की चरण में बैठी करके कभी हम यहाँ पर अपना हरि कथा सुनेंगे, कभी कभी सोच सकते हो, कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अगर किसने भक्ति जगत में कोई अगर अधिकार दिया तो किसने दिया है, भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद दिया। क्या कारण किया है, कारण है वो राधा रानी के नयन चाहिए, और राधा रानी कौन है, करुणा कुरुमयी करुणा भरित सरण सनातन वर्णित चरित्र, राधा रानी बड़ी दयालु, मान राधा रानी का जो कृपा ही ये एक मूर्ति रूप धारण किया, कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी ये प्रभुपाद हैं। इसलिए इनकी तो इतनी कथा है, इतनी कथा की इतनी महिमा इनकी, जो सोच नहीं कि ऐश्वर्य कथा सुना देता हूँ फिर भक्त लोग आज बोलेंगे। देखो एक समय प्रभुपाद कोई कोई सोचते हैं का जो भक्त है ना उनमें ऐश्वर्य प्रकाशित हो, और जो कृष्ण महाप्रभु भक्त नहीं है कोई ऐश्वर्य नहीं देता। एक समय किसी गृहस्थ भक्त ने प्रभुपाद को निमंत्रण दिया, सब गांव वालों को बुलाया, पहले जो प्रसाद बनता था लकड़ी से, सबके सब लकड़ी से प्रसाद बनते थे, अभी अभी लकड़ी में प्रसाद अभी अभी बनी, जैसे यहाँ प्रभुपाद कथा कर रहे हैं पीछे को चूल्हा है, चूल्हा पीछे था और प्रभुपाद कथा कर रहे थे, वो घर का एक छोटा बच्चा अभी जो केवल घुटने पर चलना जानता है, अब जब प्रभुपाद कथा करते थे हैं, अगर कोई सुई भी गिर जाए ना उसका भी आवाज होता था, पीठ पे साइलेंट सबके सब बैठते थे, एकदम चुपचाप बैठते थे। अभी क्या हुआ, पीछे चूल्हा जल रहा है, एक छोटा बच्चा घुटने पर चलते चलते ना चूल्हे में गिर गया, और जैसे हमें यहाँ पर भाटी जल रहे हैं हमारे चूल्हा बहुत बड़े, अभी जितने भक्त लोग देख लिया उनका मन में तो खिलबिली खिलबिली मच गई, वो बच्चा तो गिर पड़ा,
चूल्हा भी गिर पड़ा, लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा है प्रभुपाद की कथा से उठ करके जाए और बच्चे को उठाए, इसका हिम्मत नहीं हो रहा था। इतने में क्या हुआ, सबके मन में जो खिलबिल मच गई, प्रभुपाद ने कहा भैया क्या बात है, तुम लोग इधर उधर क्यों देख रहे हो, और बच्चा गिर पड़ा ना, सबके मन में चंचलता आ गई, हरी कथा में मन नहीं लग रहा, क्या बात है। बोले प्रभुपाद जी घर का जो बच्चा है ना चूल्हे में गिर पड़ा है। बोले चूल्हे में गिर पड़ा? बोले हाँ। बोले चलो चलो देखते हैं। तब गए प्रभुपाद ने जाकर देखा वो बच्चा, वो उसको अंदर में खेल रहा था अग्नि को अंदर में है, ये अग्नि एक देवता है ना, लेकिन प्रभुपाद कथा कर रहे थे, प्रभुपाद राधा रानी की नयन मणि मंजरी, लेकिन इनकी हरी कथा में इतने प्रभाव था, अग्नि ने अपना तेज को शांत कर दिया, प्रभुपाद जाकर को बच्चे को उन्होंने चूल्हे का अंदर निकाल कर लिया। ऐसे प्रभुपाद की जो ब्रजवती जो कथा है, ऐसे श्री ब्रजवती कथा, इसलिए कहते हैं श्री प्रभुपाद जिस जगत में आए, मैंने वहां पर बताया जिस चार कारण से वहां पर वो आए, कहते उनका भी चार कारण दिखता है। पहला कारण जगत में हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद ने 3,3,00,000 हरिनाम किया और सर्वत्र हरिनाम प्रचार किया। दूसरा कारण महाप्रभु आने का, श्री अद्वैत आचार्य ने उनका आह्वान किया, कहते इनका आह्वान किसने किया, बोले श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें आह्वान किया, जगत का दुर्दशा को देख करके और इनका ग्रंथ कैसे प्रकाशित होगा आह्वान किया, तो श्री विमल प्रसाद रूप में आए। तीसरा कारण है प्रभुपाद आने का, जो महाप्रभु आने का अनर्थित चरित चिरात प्रेम, उसी तरह प्रभुपाद भी जगत में वही प्रेम को देने के लिए प्रभुपाद आए थे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं तो जंगल काटते काटते मेरा समय चला गया, जो चीज को मैं देना चाहता था वो चीज तो दे नहीं पाया, लेकिन उन्होंने चिटापटा जिसको देना उनको ही दिया है। चौथा कारण है प्रभुपाद राधारानी, महाप्रभु जो अपना राधा जी भाव का आस्वादन करने आए थे, इसलिए प्रभुपाद भी नयन मणि मणि के रूप में उन्होंने भी वो चीज को उन्होंने आस्वादन किया। इसलिए प्रभुपाद जब रथ यात्रा का समय में आपको पता 3 दिन रथ रुक गया था, इसलिए एक प्रभुपाद का भक्ति प्रतीक चिन्ह मारा, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जगन्नाथ जी से रुक गए 3 दिन तक, 3 दिन तक रथ वहां से गया नहीं, लेकिन 3 दिन जब रथ किसी तरह से गई नहीं प्रभुपाद का घर को सामने, इतने में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद को लेकर के आए, जब उनको जगन्नाथ जी के चरण में उन्होंने प्रणाम कराया ना, उनके गले से अपने आप एक माला गिर करके उनके सर को पर में गिरी, गिर तो उसको बाद में रथ गई। वो कहते भैया 3 दिन तक जगन्नाथ जी रुके और भक्ति विनोद ठाकुर को बोले कमल मंजरी, प्रभुपाद को बोले नयन मणि मंजरी, राधारानी की नयन है। तब भैया 3 दिन तक जगन्नाथ जी वहां पर खड़े लेकिन आए नहीं, घूमे पहले दिन आ जाते जगन्नाथ चले जाते, 3 दिन तक जगन्नाथ जी खड़े रहे। उसका कारण है क्या, बोले कारण है यहाँ पर श्री जगन्नाथ जो पूरी रथ यात्रा वो क्या है, कहते श्री कृष्ण वृंदावन से गए, कहाँ पर वृंदावन से गए, गए मथुरा गए, और बोले मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोल कर कितना दिन चला गया, परसों बीत गया, लेकिन वो श्याम सुंदर नहीं आए। नहीं आने का भी राधारानी मानी नहीं है, क्यों मानी नहीं है, उन्होंने परसों बोल कर उन्होंने परसों उन्होंने बिता दिया, आए नहीं। और राधारानी का जो मान दुर्जय मान है, वो साधारण मान नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी वहीं पर कृष्ण भाव से वहीं पर खड़े रहे, जब तक राधारानी की कृपा कटाक्ष से नहीं होना तब तक यहाँ से मैं जाने वाला नहीं है, इसलिए कहते ना इसलिए जाने वाला नहीं, इसलिए 3 दिन तक कृष्ण वहीं पर खड़े रहे, बोले राधारानी की कृपा कटाक्ष से आए फिर तो मैं यहाँ से जाऊंगा। लेकिन जब श्री कमल मंजरी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा कृष्ण ने भैया 3 दिन तक हो गया है, हाँ अभी भी कृष्ण खड़े हैं, अभी से यहाँ से जा नहीं रहे हैं, और राधारानी मान भी नहीं त्याग, जब उन्होंने प्रभुपाद को लेकर के आए उनके गले से अपने आप एक माला गिरा। मतलब क्या है, वो कहते हैं जैसे बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंड भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सुन, जब राधारानी की एक कृपा कटाक्ष श्री श्याम सुंदर के ऊपर पड़ता है क्या होता है, उनका भर मुकुट गिर जाती है, बंसुरी गिर जाती है, कभी कभी उनका कपड़ा भी गिर जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए यही सही जब उनके चरण में प्रणाम किया ना, इतने में श्री श्याम सुंदर गले का जो माला थी वो अधर माला है, अधर माला अपने आप गिरते ही, मतलब जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। राधा रानी जब आई जब कृपा कटाक्ष से की माला गिरी, फिर राधा रानी जब उनको प्रसन्न हो गई उसको बाद में आए तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 जगन्नाथ जी की रथ चलने लग गया। इसलिए प्रभुपाद की अनंत अनंत महिमा अनंत अनंत कृपा
इनकी वजह से ही आज जो थोड़ी बहुत भक्ति करने प्रयास कर रहे हैं इनकी वजह से, इसलिए महापुरुष हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, सबको ऊपर में कृपा करें। उन्होंने जो भक्ति धारा को लाए, जिस भक्ति धारा में हमें ले जाना चाहते हैं, देखो इसलिए जैसे हम उसी रास्ता पर चल सके। प्रभुपाद का जो अंतिम उपदेश है, कहते सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुनकर कभी कभी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम ये उपदेश है। इसलिए भक्ति जगत में बहुत बाधा विपत्ति आएगा, ऐसे नहीं थोड़ी सी अगर जीवन में बाधा विपत्ति आ गई, हम पहले कुछ छोड़े नहीं, छोड़े खाना नहीं छोड़ते, घूमना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, पहले माला छोड़ते, मतलब माला छोड़ने के लिए ना पहले से हम तैयारी है। लेकिन प्रभुपाद कहते भैया सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुनकर के दुनिया छूट जाए, लेकिन गुरु कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, भगवान की भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हम यही बोल करके प्रभुपाद भी चल रहे हैं, प्रभुपाद भी प्रदान करता हूँ प्रभुपाद की।